चलिए आज का अपना चैप्टर है और आज की एएलपी साइंस का मापन है। मापन में लेक्चर नंबर अपन 5 देख रहे हैं, ठीक है। और 5 में अपना है जो राशियां हैं इनके मात्रकों को हमें लिखना है, ठीक है। मात्रकों को लिखने से पहले आपको लोगों के लिए आवश्यक जानकारी आवश्यक पूछना ये है कि आज से क्लास हाई स्कूल का मैथ और साइंस का शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग हाई स्कूल का मैथ और साइंस के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। उन ये बच्चे छोटे बच्चों के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग के लिए ही है, ठीक है ना। हाँ, रेलवे के लिए है, आप लोग के भाई बहन जो भी है उनके लिए शुरू होगा, ठीक है। छोटे भाई बहन के लिए होगा, ठीक, ये तो आप लोग के लिए है। चलिए आगे हम विषय पर ध्यान देते हैं। जड़त्व आघूर्ण, जो जड़त्व आघूर्ण होता है ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान व्युत्पन्नपाती किसकी दूरी के स्क्वायर का, दूरी के स्क्वायर का। अर्थात द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं केजी और दूरी को लिखते हैं मीटर। दूरी को कितना मापा जाता है, मीटर स्क्वायर। दूरी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी एंगस्ट्रॉम, जीरो एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम का ये किसका मतलब है, तरंग दैर्ध्य का मतलब है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। और एंगस्ट्रॉम का ये संकेत है, ठीक है। एक बात और, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका क्या होता है, 10^-10 मीटर होता है। कितना होता है, 10^-10 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अब अपना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, तो देखो गुरुत्वाकर्षण यानी ये कौन सा बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे हाथ के नीचे है, ठीक। इसमें क्या होगी, इसमें दूरी होगा, दूरी हुआ आगे तक क्या था, दूरी हुआ ना, देखो दूरी हुआ कि नहीं हुआ, दूरी हुआ, ठीक है, दूरी हुआ। दूरी के साथ हमने क्या किया था, इस पे बल लगाया था, क्या लगाया था, बल लगाया था, यानी हमने इस पर एक क्या लगाया, बल लगाया। बल के साथ क्या हुआ, वस्तु विस्थापित हो गई, यानी वो आगे तक गया, यानी दूरी आ गई, दूरी आ गई। और दूरी कितनी दिया था, तो सदैव स्क्वायर में रहता है दूरी, दूरी वहां से वो गति करके जाता है आगे, ठीक है, स्क्वायर होता है। अब क्या कर रहा है, जो गति किया है, मान लीजिए गति किया है, ठीक, तो ये किसके विपरीत किया है, बल के विपरीत किया है, क्योंकि बल सीधे लग रहा है, ये आगे जा रहा है, तो ये नीचे इसका जो द्रव्यमान होता है वो उस बल को क्या करता है, रोकता है, क्योंकि इसके द्रव्यमान से अधिक बल कुछ ना कुछ लगा के तब जाकर के आगे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपना, हमने क्या लगाया था, इसके द्रव्यमान क्या लगाया था, द्रव्यमान, ठीक, तो हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो इसका मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक लिखते हैं, बल को क्या कहते हैं, न्यूटन। बल का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन हो गया। दूरी का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसके द्रव्यमान के, बाई केजी, ठीक है, बाई केजी, ठीक है, बाई केजी, द्रव्यमान के स्क्वायर लगेगा, द्रव्यमान के स्क्वायर लगेगा, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु जो होता है घनत्व के का मतलब, हाँ, ठोस अवस्था कुछ भी हो, चाहे वो ठोस हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अगला है अपना उष्मा धारिता, उष्मा धारिता, ठीक। तो जो उष्मा धारिता होता है, अरे चलिए, उष्मा जो धारिता होता है उष्मा को हम किससे मापते हैं, नॉर्मली से किसमें मापते हैं, किसमें मापते हैं, तो जूल में मापते हैं, किसमें मापते हैं, जूल में। जब धारिता होती है, जब क्या होती है, धारिता होती है, तो जूल में मापते समय उसमें हमें समय लगता है, समय मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है,
समय लगता है मतलब सेकंड होता है, ठीक। तो जूल प्रति सेकंड इसको लिखेंगे, ठीक है। जूल प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। जूल प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसको जूल केल्विन भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, जूल केल्विन, जूल या केल्विन, केल्विन, जूल केल्विन, ठीक है ना, जूल केल्विन भी हो सकता है, ठीक ठीक है। अब आता है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का होता है हीट एनर्जी बाय द्रव्यमान होता है। क्या होता है, हीट एनर्जी बाय द्रव्यमान, ठीक है। क्या होता है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इसका होता है बाय द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हीट एनर्जी को जे जूल, जूल हो गया, और द्रव्यमान को केजी, द्रव्यमान को क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। अगला, अगला है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। वैद्युत धारा का घनत्व हमको नापा जाता है, उसको नापने का होता है कंटेंट बाय क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल, कंटेंट बाय क्या होता है, क्षेत्रफल, कंटेंट को एम्पीयर भी, एम्पीयर, एम्पीयर एम्पीयर एएमपी, और क्षेत्रफल को क्या मापते हैं, क्षेत्रफल को क्या मापते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर रहता है, मान क्षेत्रफल ही होता है, तो मीटर, भी मीटर, मीटर में लिखते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद विभव, उसके बाद क्या है, विभव है, विभव का सबको पता है कार्य बटा आवेश होता है, विभव का क्या होता है, कार्य बटा आवेश, विभव का क्या होता है, कार्य बटा आवेश, विभव का होता है कार्य बटा आवेश, ठीक है, कार्य बटा आवेश। चलिए कार्य बटा आवेश को उसको हम वोल्ट से मापते हैं, किससे मापते हैं, वोल्ट से, ठीक, वोल्ट भी कह सकते हैं विभव को, ठीक है ना, वोल्ट हो गया। क्यों का गुलाम कार्य का क्या होता है, जूल बटा गुलाम भी कह सकते हैं आप, जूल बटा गुलाम, गुलाम, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का वो होती है, प्रतिदर्शी चिन्ह होता है ओम का, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कीजिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला आपका आ गया गैस नियतांक आवेश वैद्युत धारिता विशिष्ट प्रतिरोध और चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो गैस नियतांक का होता है जूल बटा गैस नियतांक का क्या होता है जूल, ठीक है, जूल बटा मोल केल्विन। क्या होता है मोल केल्विन, मोल केल्विन, ठीक है, मोल केल्विन, ठीक। आवेश, आवेश में विद्युत धारा प्रवाह होता है और कितने समय तक प्रवाह होता है, यानी आवेश क्या होता है विद्युत धारा बटा विद्युत धारा समय, ठीक है, विद्युत धारा बटा समय, ठीक। आगे चाहे बोल, ठीक है ना, कर लीजिएगा। उसके बाद वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का फैरा क्या होता है फैराडे, क्या होता है फैराडे, वैद्युत धारिता का क्या होता है फैराडे, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब जहां प्रतिरोध आ गया मतलब होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी ओम और जितना दूरी तक जा रहा है रोकने के लिए मीटर, क्या लगेगा मीटर लगेगा। उसके बाद अगला है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होता है, गॉस होता है, सोच रहे हमने क्या है ये मात्रक है, ठीक। लेंस की क्षमता सबको पता होगा, नहीं पता है तो डायोप्टर, 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 ठीक है, डायोप्टर, डायोप्टर डी डायोप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ नोट करिए, इसे तोड़ लीजिए। चलिए अगली देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स, दो बार लिखा गया है चुंबकीय जो फ्लक्स को होता है ठीक है, चुंबकीय जो क्या होता है फ्लक्स को होता है, इसे हम टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला क्या होता है ये टेस्ला होता है, ठीक है। और जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता ये होता है हेनरी, हेनरी मीटर, हेनरी मीटर ये होता है चुंबकशीलता का, हेनरी मीटर, ठीक है। ध्वनि मापने की सबको पता है ध्वनि मापने क्या होती है डेसीबल, क्या होता है डेसीबल, डेसीबल होता है। और स्वप्रेरण का, इसके पहले हम इसका मात्रक दिखवा चुके हैं, स्वप्रेरण का इसी में है हेनरी, स्वप्रेरण का क्या होता है हेनरी होता है, ठीक है, ये तो प्लेयर का होता है हेनरी, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए इन सबका देख रहे हैं। चुंबक प्लस, देखो चुंबकीय प्लस का था टेस्ला, चुंबकीय प्लस का क्या था टेस्ला था, और चुंबक प्लस का क्या है वेबर है, क्या है वेबर है, ठीक है ना। चुंबकीय प्लस का टेस्ला था, चुंबक प्लस का वेबर है। क्या ये पूछ सकता है आपको, वैद्युत चालकता का क्या होता है, वैद्युत चालकता का क्या होता है, आप लोग इसको खुद इसका लिखेंगे, होमवर्क भी देते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई, होमवर्क देते हैं समुद्र की गहराई, हाँ चलिए नॉर्मल वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल बता देते हैं। इसका आता है फैगम, इसका क्या आता है फैगम, थिकनेस गैस, थिकनेस गैस, होमवर्क। चलिए इसको नोट कर लीजिए, डोप्सन, ठीक। अब कोई बचा है, अब कोई बच्चा है, चलिए शक्ति का व्यवसाय उपाय, शक्ति शक्ति का शक्ति उपाय हो गया, ठीक। वैद्युत चालकता का अजी एकदम आसान, वन वायु और क्या था, वन वायु यही था, ठीक। चलिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपका होमवर्क भी अभी कर दिए, थोड़ा होमवर्क रह गया, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। आप लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा तब भी करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं रहते तो हम मेहनत नहीं करते, ठीक। हम भी चाहते हैं कि आप लोग अपने कड़ी मेहनत से अपनी सफलता को प्राप्त करें, ठीक है, तो आप लोग भी हमें सफल बनाइए। Okay.